झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी लगातार इस योजना को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजना को लाना वोट बैंक की राजनीति है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि फॉर्म भरने को लेकर महिलाओं को कतार पर खड़ा कर दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि अब इस योजना के तहत अब अवैध वसूली भी होने लगी है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत, बीजेपी और आजसू ने मैया योजना पर उठाए सवाल, वोट बैंक के लिए मैया योजना शुरू करने का आरोप। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर झारखंड में सियासत गर्म है। दूसरी ओर आवेदन जमा करने के लिए महिलाएं परेशान हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद आवेदन जमा नहीं हो पा रहा, लिहाजा अब सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए SOP जारी किया है। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए अब ऑफलाइन भी फॉर्म लेने का फैसला लिया गया है। ऐतिहासिक मैया बहन वाली स्कीम जो हमने शुरू किया है, हर एक महिला को 1,000 रुपये हर महीने, तो साल का 12,000, और झारखंड में करीब करीब 75 लाख ऐसे लोग हैं जो उस श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा 50 से ऊपर के जो पेंशन है, तो वैसा कोई भी परिवार नहीं रहेगा जो इस तरीके के सामाजिक कल्याणकारी योजना से वंचित होंगे। 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए योजना, हर महीने 1,000 रुपए देगी हेमंत सरकार। आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड कार्यालय में मिल रहे निशुल्क फॉर्म, उपायुक्त कार्यालय में भी निशुल्क मिल रहा आवेदन प्रपत्र। www.jharkhand.government.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के लिए 15 अगस्त तक विशेष कैंप। जमशेदपुर में निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे CM हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह है। CM आवास की सभी कर्मियां भी मैया योजना का फॉर्म भरने चली गयी। जाने विधायक चंदना सोरेन जी भी आने वाले जो हमारी धर्म पत्नी भी है, लेकिन आज बड़ा संयोग की बात है कि वो यहाँ नहीं आ पाई। वो इसलिए यहाँ नहीं आ पाई कि घर में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले घर में हैं, जो महिलाएं सभी घर छोड़ के सरकार की मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म भर के चले गए, तो घर पे कोई था नहीं। अब मैया सम्मान योजना का लाभ किसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। आवेदिका को झारखंड का निवासी होना जरूरी, 21 से 50 साल की उम्र की महिला को लाभ, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी, राशन कार्ड नहीं होने पर पिता या पति का राशन कार्ड मान्य, आयकर देने वाले परिवार की महिला को लाभ नहीं, आवेदिका या उनके पिता और पति की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या संविदा पर काम नहीं करना चाहिए, महिला के पिता पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं उठा रहे हों। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष इस योजना पर सवाल उठा रहा है। BJP और आजसू ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये योजना लाई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बजट में इस योजना का जिक्र नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, ऐसे में सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। ये महाठग सरकार है और ठग का नया एक संस्करण लेकर के इसमें आया है। चुनाव के पहले ये सरकार थी जिसने वायदा किया था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया सालाना देंगे। 5 साल अगर गुना कर दी तो 3,60,000 सालाना देने का इनका वायदा था। आज आखिरी समय में जब ये सरकार जाने वाली है, किसी को मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक बार चालाकी के साथ लोगों के भावनाओं के साथ खेलने के लिए, ठगने के लिए ये फॉर्म भराने का काम प्रारंभ किया है। तरीका है काम करने का, उसके ऊपर सवाल है। जैसे अब वो आवास आया, मैंने उसकी गिनती बताई, 20 लाख लोगों सरकारी रूप से जिन्होंने चयन किया है, 29 लाख को आवेदन आया। आज देखो आज के दिन में कितने लाख लोगों को मिला। लोगों को ये सपना दिखता है कि मुझे मैं फॉर्म भरूंगा, मुझे ये नियो मेरा आवास बन जाएगा।
आज जो हो रहा है ये बजट में होना चाहिए ना, ये सरकारी बजट में होना चाहिए। आपके कमिटमेंट का कोई हिस्सा नहीं। आपका 2000 रुपया देने का चूल्हा खर्चा था, आपने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर इसको चूल्हा खर्चा के रूप में आ रहे हैं तो आपकी उस योजना के रूप में आना चाहिए। अभी योजना के रूप में इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसका बजटीय लोकेशन कहीं पर नहीं है और सीधे एक महीना चुनाव से पहले लाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लाने वाला योजना है ये। चुनाव से ठीक पहले क्यों लाई गई योजना? वोट बैंक को लेकर मैया सम्मान योजना। फॉर्म जमा करने के लिए महिलाएं परेशान। फॉर्म जमा करने के नाम पर अवैध वसूली। आवेदन के नाम पर मांगे जा रहे पैसे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही मैया योजना। एनडीए के सवाल पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि इस योजना के प्रति महिलाओं के उत्साह से बीजेपी बौखला गई है। भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। गलत फहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है उसी को दोहराने का काम किया, अनर्गल कई बातें उड़ाई। इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव से महज कुछ महीने पहले मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।